हेलो दोस्तों, मेरे नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले LAN वर्सेस LEI टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 29 आवर्स है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो ये कल शाम को 5 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात करते हैं, पिच बैटिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात कर रहे तो 200 से 210 का बीच में स्कोर बनेगा। ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल सोनी होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया, सो इस अकाउंट को आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देख रहे, फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1440 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं। जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा दोस्तों। लाइनअप अनाउंस होने के बाद जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉस हुआ सब लॉसेस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। मैंने फाइनल टीम के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दोस्तों। एक है माई मास्ट लोन, दूसरा कुबेरा और तीसरा विजन 11। तीनों आप कमाल कैप है दोस्तों। तीनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, तीनों में 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। तीनों आप कमाल कैप है दोस्तों। पहला वाला दोस्तों माई मास्ट लोन कॉलिंग। माई मास्ट लोन एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। आप 100% माई मास्ट लोन मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों माई मास्ट लोन। माई मास्ट लोन का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जाएगा, तुरंत डाउनलोड कर लेना। आप 100% माई मास्ट लोन मनी इजीली सेंड करेंगे। और दूसरा वाला दोस्तों कुबेरा। कुबेरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। कुबेरा में अगर आप DUO का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में DUO का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। कुबेरा का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जाए तुरंत डाउनलोड कर लेना। और तीसरा वाला सब विजन लेवल के बारे में आप सब लोग जानते हो। विजन लेवल 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल कैप है दोस्तों विजन लेवल। विजन लेवल में आपको मैं फर्स्ट और सेकंड इनिंग का भी टीम प्रोवाइड करूंगा। आप 100% विजन लेवल मनी इजीली सेंड करेंगे। विजन लेवल का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जाएगा तुरंत डाउनलोड कर। 100% विजन लेवल मनी इजीली सेंड करेंगे दोस्तों। मैंने तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ। तुरंत लिंक से तीनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप 100% तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड करेंगे। चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो यहाँ बहुत सारा विकेट कीपर बैट्समैन दोस्तों, लेकिन मैं दो विकेट कीपर को पिक करूँ तो दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। अब दोनों को 100% पिक करना है। मेरा दोनों विकेट कीपर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी बताऊंगा। चलिए सो दोनों विकेट कीपर कौन है देखते हो। और दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन सो फिलिप सॉल्ट दोस्तों। अगर फिलिप सॉल्ट खेलते हैं तब इनको 100% पिक करता हूँ। बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन सो सर IPL में कमाल का बैटिंग है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन सो। और हैंड स्कोप को दोस्तों वेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन से इनको भी 100% पिक करना है। मैंने विकेट कीपर में दो विकेट कीपर को पिक किया था। दोनों विकेट कीपर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात किया था। फिलिप के बारे में बात किया था। फिलिप सॉल्ट दोस्तों लास्ट मैच 6 गेंदों में 3 रन मारे दोस्तों। और लास्ट दूसरे मैच में दोस्तों 14 गेंदों में 26 रन मारे। लास्ट तीसरे मैच दोस्तों 17 गेंदों में 27 रन मारे। लास्ट चौथे मैच 11 गेंदों में 17 रन मारे। लास्ट 25 मैच 45 बॉल पर 87 रन बना। सो बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। आप फिलिप सॉल्ट को भी आप 100% पिक कर लेना। और बेटर हैंड स्कोप के बारे में बात की तो लास्ट मैच है 52 बॉल पर 26 रन मारे दोस्तों। और लास्ट दूसरे मैच 110 बॉल पर 67 रन मारे। सो लास्ट तीसरे मैच में 191 बॉल पर 107 रन मारे। और लास्ट चौथे मैच 20 गेंदों में 15 रन मारे। सो लास्ट 25 मैच में दोस्तों 300 बॉल पर 180 रन मारे। सो बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। आप बेटर हैंड स्कोप के भी 100% पिक कर लें। मेरे विकेट कीपर में दो विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों, फिलिप सॉल्ट को दोस्तों और हैंड स्कोप को दोस्तों। दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों। अब दोनों को 100% पिक करें। अगर जॉस बटलर खेलते हैं दोस्तों, अब जॉस बटलर को भी ट्राई करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। मैंने विकेट कीपर में दो विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों। दोनों विकेट कीपर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी बता दिया। अब बैट्समैन में देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे बैट्समैन है दोस्तों, लेकिन मैं 4 बैट्समैन को पिक करूँगा। चारों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन होंगे। अब चारों को 100% पिक करें। मैं चारों बैट्समैन का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी बताऊंगा। चलिए से चारों बैट्समैन कौन है देखते हो। चारों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है दोस्तों। क्राफ्ट को दोस्तों और एवेंस को दोस्तों और वेल को दोस्तों और
पटेल को दोस्तों पूरा मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, चारों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन था। चारों बैट्समैन का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें, क्रॉफ्ट के बारे में बात करें तो क्रॉफ्ट ने लास्ट में 7 गेंदों में 11 रन मारे, सो लास्ट दूसरे मैच 18 गेंदों में 7 रन मारे, सो सोनी विकेट लास्ट दूसरे मैच 129 बॉल पर 57 रन मारे, सो लास्ट चौथे मैच 38 बॉल पर 99 रन मारे, सो लास्ट पांचवें मैच 225 बॉल पर 67 रन मारे दोस्तों बेस्ट बैट्समैन। सो क्रॉफ्ट को भी 100% पिक कर लेना। और एवंस के बारे में बात करें, एवंस ने लास्ट मैच 196 बॉल पर 94 रन मारा है, लास्ट दूसरे मैच 34 बॉल पर 12 रन मारे, सो लास्ट तीसरे मैच 145 बॉल पर 68 रन मारे, सो लास्ट चौथे मैच में 17 बॉल पर 17 रन मारे, सो लास्ट पांचवें मैच 22 बॉल पर 1 रन मारे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और लक बेल्स के बारे में बात करें, लक बेल्स ने लास्ट मैच 35 बॉल पर 66 रन मारे थे, लास्ट दूसरे मैच 12 बॉल पर 1 रन मारे, सो लास्ट तीसरे मैच में 42 बॉल पर 28 रन मारे थे, और लास्ट चौथे मैच 109 बॉल पर 82 रन मारे, सो लास्ट पांचवें मैच 23 बॉल पर 8 रन मारे। और पटेल के बारे में बात करें, पटेल ने लास्ट मैच 183 बॉल पर 51 रन मारे, सो लास्ट दूसरे मैच 214 बॉल पर 134 रन मारे, सो और लास्ट तीसरे मैच 140 बॉल पर 69 रन मारे थे, और लास्ट चौथे मैच में 260 बॉल पर 153 रन मारे थे, और लास्ट पांचवें मैच में 23 बॉल पर 8 रन मारे। सो मैंने बैट्समैन में तीन बैट्समैन को चार बैट्समैन को पिक किया, चारों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है दोस्तों। अब चारों बैट्समैन को 100% पिक किया, क्रॉफ्ट को दोस्तों और बेल्स को दोस्तों और आर पटेल को और इवेंस को दोस्तों। पूरा मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, चारों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है, अब चारों को 100% पिक करना। सो लिविंगस्टन और आर जोन्स खेलते हैं दोस्तों, इनको भी आप दोनों को ट्राई करना। सो ये दोनों भी बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, मैंने बैट्समैन चार बैट्समैन को पिक किया, चारों बैट्समैन का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स भी बता दिया। अब ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर्स में देखा जाता है बहुत सारा ऑलराउंडर्स है दोस्तों, लेकिन मैं दो ऑलराउंडर्स को पिक करूंगा, वो दोनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स होंगे, दोनों को 100% पिक कर, सो दोनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स होंगे। चलिए सो दोनों ऑलराउंडर कौन है देखते, सो दोनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है दोस्तों, कोलिंग द ग्रैंड डॉम दोस्तों और मिचेल को। सो पूरा मैंने दो ऑलराउंडर्स को पिक किया, दोनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है दोस्तों, दोनों को 100% पिक करना। दोनों ऑलराउंडर्स का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें, तो कोलिंग द ग्रैंड होम के बारे में बात करें, कोलिंग द ग्रैंड होम ने लास्ट मैच 17 गेंदों में 19 रन मारे थे, सो लास्ट दूसरे मैच 23 गेंदों में 17 रन मारे और एक विकेट भी लिया था, लास्ट तीसरे मैच डकआउट हो गए और एक विकेट लिया, सो लास्ट चौथे मैच 36 बॉल पर 40 रन मारे और 3 विकेट लिया, सो लास्ट पांचवें मैच 86 बॉल पर 67 रन मारे और 1 विकेट भी लिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, सो कोलिंग द ग्रैंड होम को 100% पिक करना। और ड्रेन मिचेल के बारे में बात करें, मिचेल ने लास्ट मैच 19 बॉल पर 31 रन मारे शून्य विकेट, और लास्ट दूसरे मैच 177 बॉल पर 105 रन मारे 3 विकेट भी लिया, सो कमाल का ऑलराउंडर है। और लास्ट तीसरे मैच 48 बॉल पर 34 रन मारे, सो लास्ट दूसरे मैच चौथे मैच 24 बॉल पर 20 रन मारे, सो लास्ट पांचवे मैच 119 बॉल पर 229 रन मारे। मैंने ऑलराउंडर्स में दो ऑलराउंडर्स को पिक, दोनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स कोलिंग द ग्रैंड और डीन मिचेल को दोस्तों। पूरा मैंने दो ऑलराउंडर्स को पिक किया, ये दोनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है, दोनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करना। मैंने दोनों ऑलराउंडर्स का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स भी बता दिए, दोनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है। बॉलर्स, बॉलर्स में देखा जाता है बहुत सारा बॉलर्स है दोस्तों, लेकिन मैं तीन बॉलर्स को पिक करूंगा, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स होंगे, अब तीनों को 100% पिक करना। मैं तीनों बॉलर्स का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स भी बताऊंगा, चलिए जो तीनों बॉलर्स कौन है देखते हो, और तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है दोस्तों, तीनों को आप 100% पिक करना। लुक उड को दोस्तों, नसीम शाह को दोस्तों और विल विलियम्स को दोस्तों। पूरा मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात की थे, उड के बारे में बात की, उड ने लास्ट मैच 6 गेंदों में 8 रन मारे सो 3 विकेट लिया था, और लास्ट दूसरे मैच में शून्य रन दोस्तों 2 विकेट लिए, और लास्ट तीसरे मैच में शून्य विकेट लिए, लास्ट पच्चीस चौथे मैच में भी 3 विकेट लिए, लास्ट पांचवें मैच में भी 1 विकेट लिए, हर मैच में 2-3 विकेट ले रहे हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, आप उड को भी 100% पिक कर लेना। और नसीम शाह के बारे में बात करें, नसीम शाह ने लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था, सो लास्ट दूसरे मैच में 1 विकेट लिया था, और लास्ट तीसरे मैच में 2 विकेट लिए, सो लास्ट पांचवें चौथे मैच में शून्य विकेट, सो लास्ट पांचवें मैच में भी शून्य विकेट, सो नसीम शाह एक इंपॉर्टेंट बॉलर, सो लास्ट फाइव मैच में टोटल का 5 विकेट मिले, सो बेस्ट बॉलर, सो आप नसीम शाह को भी 100% पिक कर लेना। और विम विलियम्स के बारे में बात करें, विलियम्स ने लास्ट मैच में 5 विकेट ले, सो लास्ट दूसरे मैच में भी 4 विकेट ले, सो लास्ट तीसरे मैच 3 विकेट लेसो, लास्ट चौथे मैच में 3 विकेट लेसो दिल्ली है दोस्तों, और लास्ट पांचवें मैच में भी 3 विकेट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर हैं दोस्तों। लास्ट फाइव मैचेस में इनको टोटल 18 विकेट ले, सो कमाल का बॉल, लास्ट फाइव मैचेस में 18 विकेट ले, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर दोस्तों। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स हैं दोस्तों, अब तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर, एल उल्ट को दोस्तों, एम शाह को दोस्तों, डब्ल्यू विलियम्स को दोस्तों, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स हैं,
अगर विकेट कीपर में देखा जाए मैं दो विकेट कीपर को पिक किया हूँ, बैट्समैन ने देखा मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर्स में देखा मैं दो ऑलराउंडर्स को पिक कर, बॉलर्स में देखा मैं तीन बॉलर्स को पिक किया, पूरा मैंने 11 प्लेस को पिक कर लिया। 11 प्लेस का स्टैट्स भी बताया, 11 प्लेस बेस्ट प्लेस है, 11 प्लेस को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करा जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा, मैंने कप्तान में बनाऊंगा मिचेल को दोस्तों, और वाइस कप्तान के बारे में बात करा जाए तो एल बेल्स को दोस्तों अगर मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर दो विकेट कीपर को पिक पी हैंडस्कोप को दोस्तों, पी सॉल्ट को, और बैट्समैन देखकर मैं चार बैट्समैन को पिक, एस क्रॉफ्ट, एल बेल्स को दोस्तों, आर पटेल को और एस इवेंस को, और ऑलराउंडर्स में देखकर मैं दो ऑलराउंडर्स को पिक किया दोस्तों, कोलिंग द ग्रैंडो डी मिचेल को, और बॉलर्स में देखकर मैं तीन बॉलर्स को पिक किया दोस्तों, एल वुड को दोस्तों, नैन नसीम शाह को दोस्तों, डब्ल्यू विलियम्स को दोस्तों, और मैंने कप्तान में बनाए दोस्तों डी मिचेल को दोस्तों, और वाइस कप्तान में एल विलियम्स को दोस्तों। मैंने कोई फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहा है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। Thank you.